अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, आप सब लोग कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। मैंने ये टोपी क्यों पहनी हुई है और मुझे क्या हुआ है ये आगे जाके वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आज मैंने ब्लॉग अपलोड करना है, ब्लॉग मैं बना रही हूँ और एक जो है 24 कैरेट गोल्ड मास्क का जो मैं रिव्यू देने वाली हूँ। तो चलें जी, देखते हैं, पहले रूटीन की तरफ चलते हैं। कड़ी मैंने बनाई है, कड़ी पकोड़े, रोटियां हॉट पॉट में, हॉट फ्लेमिंग है। बच्चे अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि टाइम तो हो गया है इनका। सफाई मेरी सारी हो गई है, घर सेट हो गया है, इतना टाइम हो गया है, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं। पता नहीं क्यों नहीं आए हैं, क्या कर सकते हैं। और बच्चों के बिना सच्ची में बहुत ही बोरियत होती है मुझे। मैंने ये लिया था वाइटनिंग गोल्ड मास्क पील ऑफ, और ये कहते हैं कि ये मलेठी से के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और गोल्ड से बना हुआ है, और कैवियर एक्सट्रैक्ट होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं कि फ़िश एग्स कैवियर होते हैं तो उनसे बना हुआ होता है ये पील ऑफ मास्क है। और तो चलते हैं अब इसको एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, और इस पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। चलें जी इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। टोपी मैंने मुझे उतारनी पड़ेगी, और मैंने जो लगाया था मेरे चैनल पे है, उसकी वीडियो है, आप जाके देखिए। मैंने लगाया था सीरम, और मैजिक सीरम इसको मैं कहती हूँ, वाइटनिंग मैजिक सीरम। मैंने सिर्फ 2 डेज लगाया है, ट्रस्ट मी, इसके ड्रेस्टिक ड्रेस्टिक चेंजेस हैं, ड्रेस्टिक हैं इसकी जो है रिजल्ट्स हैं। और ये जो है मुझे हुआ था, छोटा सा दाना हुआ था, इसको मैंने छेड़खानी रात को करके ये हालत बना दी है। काइंडली कोई भी अगर दाना हो तो उसको छेड़खानी ना किया करें। किसी लोगों को होता है ना, कोई दाना होता है कोई ज़ख़म पे जो जम जाती है, ऊपर से वो उतारने का बहुत ही शौक़ होता है, तो काइंडली वो प्लीज़ 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 वो ना किया करें, ना किया करें वो। चलें जी हम अब लगाते हैं अपना जो मास्क है, लगाते हैं। कोशिश करें कि सिलिकॉन ब्रश से अप्लाई करें, क्योंकि इस सिलिकॉन ब्रश से अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। चलें जी अब मैं ना अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से अप्लाई करना एक हाथ से बहुत मुश्किल है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, पॉज करके। सीरियसली कूलिंग इफेक्ट तो आ रहा है मुझे, और लेकिन इसकी जो कॉस्मेटिक्स की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जैसे नाक में चढ़ जाती है, आँखों में चढ़ जाती है, जैसे ब्लीचिंग एजेंट नहीं होता वो ऐसे है। और यहाँ मैं हर्बल एप्लीकेशंस कर करके अपना मेरा स्किन जो है आधी हो गई है। चलें जी अब आते हैं रिजल्ट्स पर, देखते हैं। 20 मिनट्स को इसको रखना है, फिर आते हैं रिजल्ट्स पर। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा है। अब आती हूँ कि मैंने टोपी क्यों पहनी है। इस्लामाबाद में आ गई हैं सर्दियाँ और सख्त आगे आने वाली हैं, तो मुझे है साइनसिस का प्रॉब्लम, इस वजह से मुझे टोपी पहनना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बालों को ढक के रखना। अभी इसको ना उतारने का टाइम आ गया है, देखते हैं। ओह नो, बेस्ट पार्ट आई लाइक, इसको उतार दूं तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग
मुझे चेहरे में सफाई नज़र आई है, साफ साफ आया है नज़र, सफाई है, तो देखते हैं इसको रेगुलर करने के बाद क्या होता है। चले जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा पर्सनली ख्याल होता है कि मैं जो हूँ केमिकलाइज प्रोडक्ट पे ना इतना ध्यान दूँ। अगर थोड़ा सा सूखा नहीं था तो मैं इधर छोड़ दिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।